ग्रीटिंग्स एवरीवन। इग्नू का जो रीजनल सेंटर है अगरतला, उन्होंने एक नोटिस रिसेंटली रिलीज करा है। इस नोटिस में एक बात कही जा रही है कि आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ABC अकाउंट बना लीजिए आप लोग, अदरवाइज एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम होगी। क्या सही बात है? आज की इस वीडियो में इसी चीज़ का हम खुलासा करने वाले हैं जी। तो ये देखिए, 9 फरवरी की डेट में नोटिस रिलीज करा गया था। ऑल लर्नर्स आर हेयर बाय नोटिफाइड दैट दे नीड टू क्रिएट ABC ID अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एज दे विल हैव टू प्रोवाइड ABC ID ड्यूरिंग फिलिंग इन टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर June 2024। द यूनिवर्सिटी विल हैव टू अपलोड द रिजल्ट इन द ABC पोर्टल इज मेड मैंडेट कंपल्सरी बाय द गवर्नमेंट, हैंस क्रिएशन ऑफ ABC बाय लर्नर इज कंपल्सरी। और लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर मेरी बातों को थोड़ा सा समझिए आप लोग। ये नोटिस में बात सिंपल सा कही जा रही है कि भाई एग्जामिनेशन फॉर्म जब रिलीज होगा June 2024 एग्ज़ाम के लिए, उसमें ABC ID लिखना आपको बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि इग्नू जो यूनिवर्सिटी है और बाकी भी जो भी यूनिवर्सिटी हैं, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से अब स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिल रहे हैं कि आप गवर्नमेंट के पोर्टल पर स्टूडेंट्स की जो भी इंफॉर्मेशन है अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की, वो अपलोड करें। तो इसलिए इग्नू भी बच्चों को अब ये बात कह रहा है बहुत फोर्स करके कि भाई ABC ID आप लोग बना लीजिए। मैंने ABC अकाउंट पर कुछ महीनों पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने साफ कहा था कि भाई अभी उस टाइम पर जोर नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ये चीज़ मैंडेटरी हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर होती हुई लग रही है, राइट। अब जो December 2023 के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म निकाला था इग्नू ने, उस एग्जामिनेशन फॉर्म में भी ABC ID डालनी थी, लेकिन उस ABC ID को बिना डाले भी वो फॉर्म एक्सेप्ट हो रहा था। ऐसा नहीं है कि ABC ID डालने का ऑप्शन है तो उसको बिना डाले फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, वो उस टाइम पे हो रहा था। अब June 2024 के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म मार्च में निकलेंगे, राइट, मार्च के सेकेंड वीक में निकल जाएंगे। तो उस फॉर्म के अंदर एज पर दिस नोटिस हो सकता है कि भाई ABC ID डालना मैंडेटरी हो जाए, अब उसको बिना डाले आप प्रोसीड ही नहीं कर पाओ, ऐसा हो सकता है जी। क्योंकि इग्नू बोल रहा है कि हमें ऊपर से ऑर्डर मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई अब ये डाटा बच्चों का अपलोड करो, ये कंपलसरी हो गया है, ये सारी कहानी है। सेकंड थिंग इसकी आपके मन में डाउट आएगा, सर ये ABC ID होता क्या है, वो भी थोड़ा सा ब्रीफ में आप समझ लो। देखो आपका बैंक होता है, बैंक में आप पैसे जमा करते हो, वो पैसे बैंक में स्टोर हो जाते हैं, राइट, ये मतलब होता है। और ABC का मतलब ये होता है, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है, जैसे इग्नू में आप स्टडी कर रहे हो या कहीं पर भी आप स्टडी कर रहे हो, आप क्रेडिट्स अर्न करते हो। आप इग्नू का प्रोस्पेक्टस कभी डाउनलोड करना, या फिर आपने इग्नू में एडमिशन लिया होगा, कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है, कोई भी कोर्स आपके पास है, उसमें लिखा रहता है कि भाई इस सब्जेक्ट 6 क्रेडिट का है, ये सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का है, तो उसमें क्रेडिट्स लिखे रहते हैं, यानी कि कोई सब्जेक्ट आप क्लियर करोगे तो उतने क्रेडिट्स आपने अर्न कर लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से जितने क्रेडिट्स आप अर्न करते रहोगे वो आपके एक बैंक में स्टोर होते रहेंगे, और उसकी एक यूनिक ID होगी। जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं उसका अकाउंट नंबर होता है, इसी तरीके से जो ये वाला बैंक है जिसमें आपके क्रेडिट जमा होंगे, वो उस क्रेडिट को जमा होने के बाद जो भी आपका बैंक रहेगा उसमें एक यूनिक ID होगी। बेसिकली वही यूनिक ID आपको जनरेट करनी है, राइट। अब आती है मुद्दे की बात, सर अब हमें ये बता दो कि हम इसको बनाएं या नहीं बनाएं, और बनाएं तो कैसे बनाएं। एक तो इन लोगों ने एक वेबसाइट का लिंक इसी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ये वेबसाइट का लिंक ABC की जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ का लिंक है, ये वहाँ का लिंक खुल जाएगा, यहाँ से भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका जो इसको बनाने का है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जो बच्चे June 2024 में एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं, उसमें बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने या तो समर्थ पोर्टल पर अकाउंट बना लिया होगा या नहीं बनाया। अगर नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, पहले उस वीडियो को जाकर देखो और समर्थ पोर्टल पर अकाउंट बना लो। तो ये वो समर्थ पोर्टल है दोस्तों। अब इस समर्थ पोर्टल पर जब आते हो, इसमें आपको इसका बेसिकली जो मेन काम होता है ना इग्नू के अंदर, वो ये होता है जब सेकंड ईयर में आप इग्नू में एडमिशन लेते हो तो इस पोर्टल से होता है। सिंपल सी बात है भाई, ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते। बाकी दूसरी चीज़ें भी इस पोर्टल में होती हैं, आप जाकर देख सकते हो, अपना स्टडी सेंटर चेंज करने की रिक्वेस्ट वगैरह डाल सकते हो यहाँ से, या कुछ और चीज़ें जो होती हैं वो भी इसी पोर्टल से होती हैं। तो बेसिकली इस पोर्टल पर देर से वेयर अकाउंट बनाना ज़रूरी है। तो इस पोर्टल पर अकाउंट सिंपल सी बात है भाई, न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे, पहले आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे, नेम और एनरोलमेंट नंबर लिख के प्रोसीड करोगे, देन आप OTP वगैरह जाता है, OTP डाल के अपना पासवर्ड एक क्रिएट कर लोगे। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अपने एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन करोगे। ये मैंने लॉगिन कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा, इसमें ये जो आपका ABC अकाउंट जो बनता है, बहुत 2-3 मिनट का काम है, इसमें कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है, पहली तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है, एक बल्कि रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, ये आपके पास जो आधार कार्ड होता है, आपका आधार कार्ड होगा, उससे अगर फ़ोन नंबर लिंक है
कोई भी ऐसा फ़ोन नंबर उससे लिंक है, चाहे वो फैमिली मेम्बर का ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिंक होना चाहिए क्योंकि OTP वगैरह उसमें जाता है। बल्कि सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि जो आप फ़ोन मोबाइल यूज़ करते हो, आपका जो पर्सनल नंबर है वही आधार से लिंक हो। आपके मम्मी पापा का नंबर लिंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका पर्सनल लिंक हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। अगर नहीं है लिंक तो आप उसको लिंक करवा लीजिए, वो मैक्स टू मैक्स 10 दिन में लिंक हो जाता है, वैसे 90 दिन का टाइम होता है, बट वो 10 दिन में लिंक हो जाता है, आप ऑनलाइन जनरेट कर सकते हो, निकाल सकते हो उसको। पहले तो आप ये काम करवा लो, उसके बाद आप ABCID बना लेना, ठीक है। क्योंकि एज आई सेड मार्च में फॉर्म निकलेंगे जो कि अप्रैल के एंड तक तो चलते ही चलते हैं, तो अभी 2-3 महीने बाद कट और टाइम है आपके पास, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, जिसको जून में एग्ज़ाम देने ही नहीं है, दिसंबर में एग्ज़ाम देना, तो उसके पास तो महीनों हैं अभी, ठीक है। तो पहले वो अपना ID कार्ड आधार से फ़ोन नंबर का जो सारा इशू है वो ठीक करवा लीजिए, उसके बाद इसको बनाना एक बार ही, क्योंकि ये जो अकाउंट बनता है ये डिजी लॉकर के थ्रू बनता है, और डिजी लॉकर जो अकाउंट बनता है वो आपके आधार कार्ड के थ्रू बनता है, और आधार कार्ड के थ्रू अकाउंट बनाने के लिए वो फिर OTP वगैरह जाता है, पासवर्ड अगर इनकेस फ्यूचर में भूल जाओ तो फिर वो OTP रीसेट करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें झमेले होते हैं। तो इसलिए अपना सारा जो चीज़ें हैं वो सही करके रखिए, तो फिर जनरल बात है भाई, आपका आधार लिंक होना चाहिए, तो जनरल चीज़ है, इसको ठीक करके रखिए, देन आप इस अकाउंट को बनाइए, सिंपल सी बात है। तो आपने ये समर्थ पोर्टल पर अकाउंट बना लिया, लॉगिन कर लीजिए। बनाने के बाद लॉगिन जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आएगा, क्रिएट लिंक योर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट। उस लिंक पर जाने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन आएगा, क्लिक हियर टू क्रिएट योर ABC अकाउंट, ठीक है। आप इस लिंक पर जाओगे देन ये फिर आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पर ले जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मोबाइल नंबर के थ्रू साइन इन करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने पहले कभी भी डिजिटल लॉकर पर अकाउंट बनाया है, कभी भी किसी भी पर्पज़ के लिए, तो साइन इन करोगे, अदरवाइज यहाँ पर साइन अप का पहले ऑप्शन है, आप साइन अप करोगे, यहाँ पर आधार नंबर डालोगे, नेक्स्ट करोगे, फिर OTP वगैरह आपको जाएगा। बहुत ही स्टूडेंट का डैशबोर्ड है तो मैं तो नहीं कर सकता हूँ उसको, बट बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है। आप इसको साइन अप करने के लिए आधार नंबर डालोगे, देन आगे जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाएँ, मोबाइल नंबर, आपका नाम वगैरह शो करेगा, OTP वगैरह आएगा, वो सब चीज़ें आप डाल दीजिएगा। डालने के बाद वो अपने आप ही अकाउंट क्रिएट कर लेगा और लिंक भी अपने आप हो जाएगा। आपका अकाउंट जब लिंक हो जाता है तो जो पोर्टल है आपका, जो समर्थ पोर्टल है, इस वाले पोर्टल पर यहाँ पर शो हो जाएगा आपकी ABCID वगैरह, और लिखा आ जाएगा कि आपका अकाउंट लिंक हो चुका है, दैट्स इट, ठीक है। इतना सा काम है ये बस, और इस काम को एग्ज़ाम फॉर्म जब रिलीज़ होंगे उसके बाद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, 2-3 मिनट का काम है। अगर जिसका आधार मोबाइल नंबर लिंक्ड है, सब कुछ OTP वगैरह ठीक से आते हैं, तो 2-3 मिनट का ये काम है, कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए कि सर इसको बनाना है या नहीं बनाना, वेरी क्लियर है भाई, इसको बनाना है और इसको बना लीजिए जितना जल्दी पॉसिबल हो। थैंक यू।